बर्तन धोने वाली अनुपमा अब बनेगी स्पाइस एंड चटनी की मालकिन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। वनराज के ताने अब बहुत हो गए। बर्तन मांजने वाली, ये करने वाली, क्या करना है तुम्हें, कोई जानता नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, ये ताने अब सुनते सुनते अनुपमा ने तो बस नहीं की, मगर कान्हा जी ने बस कर दी है। कान्हा जी ने अब अनुपमा को वो प्लेटफॉर्म दिया है जिससे ना सिर्फ वो स्पाइस एंड चटनी को बचाएगी बल्कि उसकी मालकिन बनेगी। कैसे, बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब स्पाइस एंड चटनी पे खतरा मंडरा रहा है और स्पाइस एंड चटनी के लोग ऐसे हैं जो वाकई में अनुपमा को हर्ट होते नहीं देख सकते, ये बात दिखती है। क्योंकि वो ऐसी बात बताते ही नहीं है कि अनुपमा को हर्ट हो, क्योंकि वो जानते हैं कि अनुपमा ऑलरेडी इतने सारे जो है शाह परिवार के प्रॉब्लम्स में यूजुअली फंसी ही रहती है और फंसी हुई है। तो ये जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं अनुपमा के नेचर को, तो उन्होंने अनुपमा को बताया नहीं। और अनुपमा के जो वेल विशर हैं विक्रम एंड स्टाफ, उन्होंने अनुपमा के लिए एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, जोशी बहन के लिए एक नया प्लेटफॉर्म जिसमें शेफ कंपटीशन है, जिसकी ह्यूज सा जो है मनी है, जो रिवॉर्ड मनी है। अब ये सब कुछ तो है मगर अनुपमा तैयार नहीं है। अनुपमा अपने आप को थोड़ा पीछे देख रही है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती वगैरह वगैरह, मगर स्पाइस एंड चटनी अनुपमा की कर्म भूमि है, उसके लिए अनुपमा कुछ भी कर जाएगी। तो यही हाल स्पाइस एंड चटनी के मालिकों का है, वो भी अनुपमा के लिए कुछ भी कर जाएंगे। तो जब ये कंपटीशन के लिए अनुपमा तैयार होगी, सब लोग तैयारी करवाएंगे, जिसको अब अनुपमा हाँ नहीं कह रही, कल को इसके लिए हाँ कहेगी, क्योंकि दीपू के जरिए उसको पता चल जाएगा कि स्पाइस एंड चटनी में कितना सारा जो है भवाल है, कितना सारा कर्जा है जिसको चुकाना है, नहीं तो रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। और अनुपमा की कमिटमेंट है कि वो रेस्टोरेंट बंद नहीं होने देगी। और जब ये सब करेगी अनुपमा, तो अनुपमा ह्यूज मनी जो जीतेगी वो स्पाइस एंड चटनी के कर्जे पे पूरा का पूरा नशावर कर देगी। और तब होगी अनुपमा स्पाइस एंड चटनी की मालकिन, क्योंकि वो लोग भी अनुपमा को बिना रिवॉर्ड के छोड़ेंगे नहीं, चाहे पार्टनरशिप दें चाहे कुछ भी दें, मगर वो अनुपमा को स्पाइस एंड चटनी का बड़ा हिस्सा जरूर देंगे। तब ये वनराज शाह जैसे लोग देखते रह जाएंगे कि अनुपमा ने एक दो महीने में ही ना सिर्फ वहाँ पे काम किया, अपना नाम बनाया, बल्कि एक बड़े रेस्टोरेंट की मालकिन भी बन गई। तब ये वनराज शाह का मुंह भी बंद होगा। क्या कहते हो आप, इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.